आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों की मांग सरकार के लिए सिरदर्द होती है। मांग कैसे पूरी होगी, उस मांग को पूरी करने से सरकार पर कितना वित्तीय बजट बढ़ेगा, तमाम सारी कवायद शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने जो मांग की है उससे शिवराज सरकार की बांछें खिल जाएंगी, क्योंकि इस मांग से सरकार का खर्चा बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। दरअसल कोरोना वायरस के चलते सरकारी कर्मचारियों ने ऑफिस से सेंट्रलाइज्ड एसी बंद करने की मांग की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन जगहों पर सेंट्रलाइज्ड एसी होते हैं वहां हवा के जरिए कोरोना की संभावना ज्यादा होती है। इसी के आधार पर कर्मचारियों ने ये मांग की है कि उनके दफ्तर में भी सेंट्रलाइज्ड एसी नहीं होना चाहिए। जाहिर तौर पर एसी चलेंगे तो बिजली का खर्च पड़ेगा, जिसका बोझ सरकारी दफ्तरों में सरकार पर ही आता है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की मांग सरकार के लिए खुशी का सबब बनेगी।